रक्षाबंधन का पर्व रविवार को उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। सुबह से ही बहनों द्वारा भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का सिलसिला जारी रहा, जो शाम तक चलता रहा। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और भाइयों ने उन्हें उपहार दिया। इस दौरान जहाँ बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की, वहीं भाइयों ने बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। मान्यता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं के कार्यकाल से हुई थी। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता ना निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। तभी से यह त्योहार भाई बहनों के लिए एक बड़ा त्योहार बन गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रशंसा एवं खुशी श्रीवास्तव ने कहा, आप अभी राखी बांध रहे थे, क्या मकसद है इसका? रक्षाबंधन पर भाई बहन का त्यौहार होता है, इसमें हम अपने भाइयों की लंबी उम्र और उनकी धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और इसमें हम लोग इनको राखी बांधकर उनको दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। खुशी श्रीवास्तव, आज रक्षाबंधन है, आज के दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं राखी बांध के।